आपकी बात ठीक है कि शहर में जितनी सफाई की अपेक्षा थी उतनी सफाई नहीं हमने की। हम ये नहीं क्लेम करते कि जो हमें चाहिए था हमने उस पॉइंट को अचीव किया। वो अभयारण्य की भी बात की, हमने कहा हम पशु मुक्त करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। सड़क पर पशु भी है, हमने दूर नहीं किया, मैं मानता हूँ। अब उसको भी आप ये कहेंगे क्योंकि चुनाव आ गए इसलिए ये हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अन्य महानगरों की तर्ज पर अब हिसार को भी महानगर का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है। हाल ही में हुई दूसरी कैबिनेट की मीटिंग में हिसार को महानगर का दर्जा देने की जो है मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा में भी इस प्रपोजल को रखा जाएगा और उसके बाद जो है हिसार की डेवलपमेंट की स्पीड जो है लगातार बढ़ जाएगी। जिसकी पूरी जानकारी देने के लिए हिसार के PWD रेस्ट हाउस के अंदर नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्या भविष्य में प्रोजेक्ट रहेंगे हिसार की डेवलपमेंट को लेकर, आइए उन्हीं से जानते हैं। हिसार को कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, ये इस साल की शायद दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी, तो उसमें हिसार को गुरुग्राम की तर्ज पर, फरीदाबाद की तर्ज पर, सोनीपत की तर्ज पर, पंचकुला की तर्ज पर जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम था वो हिसार को भी कैबिनेट ने पास कर दिया कि अब हिसार भी हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपिंग अथॉरिटी, जैसे वो GMDA, FMDA, SMDA, PMDA, ऐसे ये हिसार की HMDA के नाम से जानी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस समय दो ढाई साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोनीपत और पंचकुला को की घोषणा की थी, तो उस समय मैंने आग्रह किया था कि हिसार जो है वो बड़ा सिटी है, हिसार में बहुत बड़ा एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, तो इसलिए हिसार को पहले आप हिसार महानगर विकास प्राधिकरण उसको घोषित किया जाए। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे ये वायदा किया था कि नेक्स्ट जब भी डिक्लेयर करेंगे तो वो हिसार को करेंगे। तो पिछले साल शायद फतेहबाद में उन्होंने इसकी घोषणा की कि हिसार को हम HMDA की घोषणा करेंगे, और उसका अपना वायदा जो है वो पूरा का पूरा कल कैबिनेट मीटिंग में लाकर और इसकी जो घोषणा की, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, हिसार की जनता को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, हिसार की एक एक जन की ओर से। हम सब लोग बड़े खुश हैं, इससे हिसार की डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। बहुत सारी जो डेवलपमेंट की चीज़ें, जैसे गुरुग्राम है, जैसे फरीदाबाद है, जैसे पंचकुला है, जैसे सोनीपत है, तो उसी तर्ज पर अभी इसका जो विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा, वहाँ से इसको एक्ट बनाकर और फिर गवर्नर साहब के सिग्नेचर करवाकर इसका गजट नोटिफिकेशन करवाया जाए। हिसार की डेवलपमेंट तो पहले भी हिसार के निगम में हम काफ़ी सड़कों की बात है, तिरंगा लाइट की बात है, फुहारों की बात है, और ये बस क्यू शेल्टर्स की बात है, और जगह जगह पर चौराहों पर कहीं लाल किला, कहीं इंडिया गेट, कहीं चंद्रयान, कहीं राम मंदिर, इस तरह के सब मोमेंटोज जो हैं, मोमेंटोज नहीं कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे, मोनूमेंट्स कहेंगे हम, ये लगाने का कई जगह हमने टेंडर भी लगा दिया है। तो ये सब चीज़ें प्रगति पर हैं। और दूसरी एक और अथॉरिटी भी यहाँ ऑलरेडी बनी हुई है, आपको जानकारी होगी कि हिसार एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हिसार है या हरियाणा है शायद, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब हम यहाँ की लोकल, जैसे हिसार नगर निगम की जो बजट है वो हिसार के पार्षद और वो सब मिलकर करते थे, लोकल लेवल पर लोकल गवर्नमेंट थी, तो ऐसे हिसार की डेवलपमेंट के लिए ये जो विकास प्राधिकरण है ये एक लोकल गवर्नमेंट का काम करेगा, बड़ा काम करेगा। उसके किसी भी बजट को पास करवाने के लिए हमें उसको चंडीगढ़ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि जितने भी विकास के कार्य हैं और जितनी अमाउंट उन पर खर्च हो रही है
उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, उसको जो सैंक्शन लेने का जो एक प्रोसीजर चंडीगढ़ महकमों के पास जाता था वो वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीएम साहब की अध्यक्षता में एक या दो मीटिंग होंगी, उसी में बजट होगा, उसी में वो पास हो जाए। मंत्री महोदय, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उसके प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही माननीय मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे सभी नगर निगमों को, नगर परिषदों को, कि किसी भी स्थान पर कूड़ा करकट गंद नहीं होना चाहिए। आप खुद इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं, लेकिन हिसार की सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, आप खुद बयां कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और वो नारा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी दिया। अब मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कहें कि हमने कुछ नहीं किया, वो गलत है। हमने ओपन डेफिकेशन बंद की, क्या वो स्वच्छता की बात नहीं है? हमने हरियाणा में भी 13 क्लस्टर बनाए। पहले जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक किसी भी हरियाणा के किसी भी एक भी जगह जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिर सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट और फिर एक जगह उस कूड़े को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उसका निस्तारण करना, अब निस्तारण की तो कोई योजना पिछली सरकारों ने बनाई नहीं, हमने बनाई। हमारे दो जगह तो ये शुरू भी हो गए प्लांट, सोनीपत हो गया, सोनीपत में पानीपत का और उसका 13 क्लस्टर हमने हरियाणा में बनाए। अब हमने हरियाणा में 13 जगह क्लस्टर बनाए, हमने 5-6 जगह ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर ली, दो जगह के हमारे शुरू भी हो गए, अभी हमारी 13 में से 6-7 जगह की ज़मीन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई। हिसार में भी ज़मीन आइडेंटिफाई की थी आज से 3-4 साल पहले, हांसी में की थी, लेकिन बाद में उसको जब और गहनता से सोचा गया तो ज़मीन तो ठीक थी लेकिन उसका आने जाने का रास्ता ठीक नहीं था, इसलिए वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। उसके बाद हमने ढंडूर में सोचा, ढंडूर के लोगों ने विरोध किया, फिर हमने सात रोड में सोचा, वहाँ भी विरोध हुआ, फिर हमने आज़ादपुर लिया, वहाँ भी विरोध हुआ। अब हमने ये जो लोआस यूनिवर्सिटी है उसके उत्तरी पूर्वी उस एरिया में हमने लगभग 55 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई की है, और मैंने कल ही एनिमल हस्बेंड्री के जो ACS हैं मिस्टर अंकुर गुप्ता जी, उनसे बात की है कि भाई हमने ये प्रपोजल बनाकर आपको भेजी है, आप तुरंत इस पर कार्रवाई करके हमें दें ज़मीन। जैसे ही वो हमें मिलेगी वहाँ पर हम निस्तारण प्लांट लगाएंगे, हम ये सारा कूड़ा वहाँ लगाएंगे और उस कूड़े से हम साफ करेंगे। आपकी बात ठीक है कि शहर में जितनी सफाई की अपेक्षा थी उतनी सफाई नहीं हमने की, मुख्यमंत्री जी ने ट्राई किया, मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अलग अलग ज़िलों में भेजा, मैं सिरसा में गया, डबवाली में गया, मैं गया तो उस दिन वहाँ अच्छी सफाई थी। अब यहाँ भी माननीय दुष्यंत जी की ड्यूटी लगी थी, वो भी आए होंगे, तो मेरा मतलब प्रयास तो आप स्वयं भी मान रहे हैं कि प्रयास हम करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पर फिर भी हम ये नहीं क्लेम करते कि जो हमें चाहिए था हमने उस पॉइंट को अचीव किया। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये कि ये जो सारे प्रयास हैं ODF का हमने किया, और अभी हमने डोर टू डोर कलेक्शन का 1-10 नंबर वार्ड का पहले लगाया था, अब 11-20 का शायद कल परसों लग गया है, तो ये सब प्रयास इसी दिशा में चल रहे हैं। अब हमने गो अभयारण्य की भी बात की, हमने कहा हम पशु मुक्त करेंगे लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने एक 50 एकड़ की ज़मीन ली, उसकी चार दीवारी खिंचवाई, उसको हमने बाड़े बनवाए, शेड्स बनवाए, आज भी वहाँ 6,000 पशु है, सड़क पर पशु भी है, हमने दूर नहीं किया मैं मानता हूँ, लेकिन 6,000 पशु तो हमने किया ही है ना। आज हम उस 6,000 पशु को अगर सड़क पर छोड़ दें तो क्या स्थिति होगी, कि हमने पशु मुक्त शहर अभी नहीं किया लेकिन हमने 6,000 पशु तो उठाया है ना। और डेली भी हमारे गौतम जी ने भी अभियान चलाया था, अब तो चलो वो समय पूरा हो गया, लेकिन अभी भी आप जाकर देखिए कि हमने एक MRF सेंटर जो है पड़ाव में चिन्हित किया, वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। मैंने उनसे कहा कि भाई आपको कूड़ा सड़क पर पड़ा तो पसंद है और उसको हमने उस सेंटर पर डालना शुरू कर दिया तो पसंद नहीं है, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया आज आप पड़ाव चौक पर जाएंगे तो आपको एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज वहाँ के लोग स्वयं, ये देखिए सफाई के जो काम है ये केवल सरकारों पर निर्भर नहीं होते, तो आज पड़ाव के लोगों ने, हमारे कृष्ण खटाना जी हैं, हमारे सुमित गुर्जर है, हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, इन सब ने मिलकर
वहाँ पर वो पहरेदारी दे रहे हैं और पिछले 8-10 दिन से वहाँ पर कूड़ा नहीं है, जो कि पहले वहाँ पर बेशुमार पड़ा होता था। मंत्री महोदय, इसी से मैं संबंधित आपसे एक और प्रश्न करने चाह रहा था, आपने ही मुद्दा, आप वहाँ जाकर 1 लाख रुपए का अनुदान देकर आए हैं और जो आपके निगम के आयुक्त हैं दैया साहब, वो अभी तक उस कूड़ा निस्तारण जो केंद्र जो बन रहा है उसकी मंजूरी को उन्होंने रद्द नहीं किया है। नहीं, वो तो उनका, उन्होंने कहा है कि थोड़े दिन देखते हैं, अगर आप ये ऐसा कर लेंगे तो वहाँ एक और सेंटर बना हुआ है, हम उसी को MRF बना लेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात होती है, हरियाणा के एविएशन मिनिस्टर और पूर्व मंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद ने कहा कि अभी इंटरनेशनल बनने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ। क्योंकि अभी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट ही उड़ाई जाएंगी और उसके बाद जब इंटरनेशनल फ्लाइट आएंगे, इंटरनेशनल जो एविएशन इंडस्ट्री उनके ऑफिस जब स्थापित हो जाएंगे। मैं आपके शब्दों में से बहुत शब्द को हटाना चाहता हूँ, समय तो लगेगा। देखिए, मैं फिर आज़ादी की बात करता हूँ, आज़ादी से लेकर और 70 साल तक तो कुछ नहीं हुआ ना। आज हमने 7200 एकड़ ज़मीन को आइडेंटिफाई तो किया ना। आज हमने वो जो पहले 200 एकड़ में पट्टी थी, आज वो 7200 एकड़ में 10,000 फुट की पट्टी है, वो 3,000 फुट की पट्टी थी, इतना तो इंक्रीज हुआ। आज हमने उसकी 4 दीवारी भी लगवा दी। आज हम ये कहते हैं कि 3-4 दिन में हम बड़ी उड़ान उड़ा देंगे, जो कि जयपुर जाएगी, जो कि अहमदाबाद जाएगी। कह रहे हैं 3-4 महीने में, हो सकता है 3-4 महीने की जगह 8 महीने लग जाए। फुल फ्लैश तो जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो भी आज डेवलपिंग स्टेज में है। जितने भी दुनिया के जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी विकास की गति हैं, विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। MRO बनेगा, फिर मेडिकल हब बनेगा, फिर एग्रो हब बनेगा, फिर एनिमल हब, अब इनमें 5-10 साल लग ही सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो विकास तो है चल रहा था, लेकिन इलेक्शन ईयर में ज़्यादा तेज क्यों हो जाता है? कैसे? थोड़ी तो देखो नेचर भी होती है। राजनीतिक पार्टी तो सभी है ना, ये तो सभी नहीं, नहीं आप घर की भी बात अगर करें तो आपके घर कोई मेहमान आए तो उस दिन थोड़ा पोचा वोचा जरा जरा अच्छा सा लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मानव स्वभाव में होती हैं। लेकिन हमारा कोई, मान लो एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट का मुद्दा कब से शुरू है? एयरपोर्ट का मुद्दा जिस वक्त हमारी पहली सरकार आई थी 2014 में, 29 दिसंबर 2014 को सरकार बनी थी, अक्टूबर में, 1.5 महीने में ही कर दिया था। अब उसको भी आप ये कहेंगे क्योंकि चुनाव आ गए इसलिए ये हो रहा है। अब जो चीज़ 9 साल पहले शुरू हो चुकी उसको भी आपने चुनाव से जोड़ दिया। अब राम मंदिर का मुद्दा है, अब राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से चल रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो उद्घाटन इसलिए किया है क्योंकि चुनाव आ रहा था। अब रामनवमी आएगी, अब रामनवमी में भी एक तेजी क्यों, रामनवमी में भी पूरा देश 140 करोड़ रामनवमी को मनाएंगे। अब आप कहेंगे कि वो भी चुनावी मुद्दा है इसलिए कर रहे हैं आप। तो ये कुछ चीज़ें कहने वालों को तो कहनी पड़ती हैं, उनके पास कोई और विषय नहीं है, इसलिए भी वो सो कॉल्ड पारिवारिक बात को बढ़ाने वाले जब चुनाव आता है तो वो जनेऊ बाहर निकाल लेते हैं, उनको क्या कहोगे आप? अभी फिलहाल आपने जो शुरू होते हैं कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के गले का फांस बन जाते हैं। अभी आपने एयरपोर्ट के 4 दीवारी की बात की, स्थानीय लोग आज तक वहां से परेशान हैं। सूर्यनगर अंडरपास और ओवरब्रिज स्टार्ट हुआ लेकिन डेडलाइन आती आगे आती जाती आ रही है, लेकिन स्थानीय लोग लगातार उससे परेशान होते नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट शुरू होते हैं लेकिन खत्म होने में जो है समय लगता है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं उदाहरण मैं अपने घर से देता हूँ। मेरा घर है मलिक चौक पर, जब मैंने लिया पुराना था, बड़ी लिया तो पुराना था, तो उसके मैंने लिया था 96 में, अब उसको 3-4 में मैंने बनवाना शुरू किया तो पहले आधा तोड़ा, उस दिक्कत में रहा, हॉस्पिटल भी दिक्कत में रहा, बराबर से कमरा लिया, फिर पीछे शिफ्ट किया। ये सब चीज़ें, नई जब चीज़ें बनती हैं तो दिक्कत आना स्वाभाविक होता ही है। आप भी अपने घर में कोई सफ़ेदी भी करवाएंगे तो 10-15 दिन तो रहेगी दिक्कत। तो ये सब चीज़ें, जब आज हम अगर एलिवेटेड रोड बनाएंगे तो दिक्कत तो शहर को होगी, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट के लिए, अब उनका रास्ता ब्लॉक हुआ मैं मानता हूँ, उसका हमने वायबल वो भी किया। अब जितने भी बाईपास बने हैं, बाईपास बने से डिस्टेंस दूर हुए हैं ना, 10-10 किलोमीटर बढ़ गया, लेकिन आज हम 2 घंटे में पहुँचते हैं दिल्ली, पहले तो नहीं पहुँचते थे। अब वहाँ के लोगों को, आने जाने वाले लोगों को, जब भी आप नव निर्माण करते हैं
तो ये दिक्कत स्वभाव होता है ये, और ये इस प्रक्रिया को हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा मजबूरियां होती हैं, समय भी लग ही जाता है। आपको बता दें कि हिसार को महानगर बनाने की घोषणा करीब करीब 1 से 1.5 साल पहले फतेहाबाद के कार्यक्रम के दौरान सीएम साहब ने कर दी गई थी, और हाल ही में कैबिनेट की दूसरी मीटिंग में इस बात को मंजूरी भी दे दी गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिसार के डेवलपमेंट बजट को जो है दुगनी गति मिलेगी और हिसार के विकास कार्य तेज़ी से होंगे। और बजट की बात करें तो पहले जितना विकास कार्य का बजट हिसार को मिलता था, महानगर बनने के बाद जो है बजट में भी वृद्धि होगी और हिसार में आपको जो है लगातार डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आपकी जो भी राय है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।